हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज के लेसन में हम मैथ्स के परसेंटेज टॉपिक को देखने वाले हैं कि परसेंटेज रिलेटेड सम्स हम कैसे सॉल्व करें। तो परसेंटेज सबसे पहले होता क्या है, मान लो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको 8% को रिप्रेजेंट करना है। ये 8% क्या होगा? ये 8% कुछ नहीं, 8/100 होगा। कभी भी ऐसा आपको लिखा हुआ दिखे कि 8% है तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है 8/100। यानी कि अगर एक मान लो एक 100 पार्ट्स से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इसमें 100 पार्ट्स हैं, ये सपोज करो आप ये 100 पार्ट्स हैं, तो उसके 8 पार्ट्स कवर्ड है, ठीक है। तो ये परसेंटेज होता है। अब मान लो कि आपको लिखा हुआ है 23%, यानी कि 23 पार्ट्स हैं 100 के, 100 पार्ट्स में 23 पार्ट्स कवर्ड है। ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, जो हमने फ्रैक्शंस में देखे थे। अब आपके एग्जाम में सपोज करो कि 90% आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 100% मार्क्स में आपके 90% मार्क्स आए हैं, यानी 90 मार्क्स आया है ऑन एन एवरेज आपका 100 मार्क्स में। तो ये आपका परसेंटेज होता है। अब देखते हैं कि ये जो परसेंटेज होता है इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सपोज करो आपको दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इसको परसेंट में रिप्रेजेंट करना है। तो मान लो मेरे पास एक नंबर है, इसको मुझे परसेंट में रिप्रेजेंट करना है। तो 1/2 एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में कैसे रिप्रेजेंट हम करेंगे? 1/2 लिख करके इसके बगल में 100% लिख देंगे। तो आपको पता है कि 200 को काट सकता है, तो यहाँ पे 250 बन जाएगा, 2 से ये कटेगा तो ये 50 बन जाएगा, और 50 × 1 क्या होता है? 50%। यानी कि 1/2 जो नंबर है वो 50% को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह अगर आप देखो कि 1/3 जो नंबर होगा, 1/3 क्या होगा? 1/3 × 100%। तो आपको पता है कि जब आप 3 से 100 को काटते हो तो आपको डेसिमल में वैल्यू आता है, ये होता है 33.33 अप्रोक्सीमेटली, और ये चला ही जाता है, ये कंप्लीटली कटता नहीं है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 33.33% आता है। 1/4 उसी तरह आप देख लो, तो 1/4 क्या होगा? 1/4 होगा 1/4 × 100%। अब आपको पता है कि ये 2 से कट सकता है, 2 × 2 = 4, और ये 250 और ये 25। तो यानी कि 1/4 को जब हमें कोई परसेंट में लिखने को बोले तो इसका मतलब होता है कि ये 25% है। उसी तरह 1/5 देख लो आप, तो 1/5 को अगर 100% से हमें देखना हो तो ये 5 × 2 = 10 एंड दिस 0 = 0, सो ये 20% हो जाएगा हमारा। तो इन नंबर्स की एक सीरीज होती है जिसमें 1/2 जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है 50% को, 1/3 जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है 33% को, 1/4 रिप्रेजेंट करता है 25% को, और 1/5 जो होता है वो 20% को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी करके ये सीरीज चलती जाती है। 1/10 अगर आपको लेना है और इसका 100% देखना है तो ये 0 0 कट गया, तो 1/10 जो होता है परसेंट में 10% होता है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि परसेंट में हम कोई भी चीज को कैसे सॉल्व करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किसी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि मान लो एक फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 3/8 को एज इट इज लिखोगे, 3/8 as it is लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये पता है 8 2 के टेबल में आता है, ये 2 2 4 = 8 होता है, और ये 2 5 = 10, और ये 0 as it is, फिर ये अगेन 2 से कटेगा और ये 25 बन जाएगा। तो टोटल आपके पास 75/2 आ गया। 75/2 का मतलब क्या है? अगर आप 75 को 2 से डिवाइड करते हो तो ये 2 3 = 6 हो जाता है, यहाँ पे 15 बच गया, और 2 7 = 14 आ गया यहाँ पे। फिर आप एक डेसिमल लगाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे 0 लगा लोगे, और यहाँ पे 2 5 = 10 हो जाता है। तो ये आंसर आपका क्या आ गया? 37.5। तो 3/8 को जब आप परसेंट में रिप्रेजेंट करते हो तो 37.5 हमारा आंसर आता है। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसका डिनोमिनेटर हमें इक्वल किसके लाना है? 100% के इक्वल लाना है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100। तो डिनोमिनेटर हमें हर किसी केस में 100 चाहिए। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास नंबर है 2/5, आपके पास एक नंबर है 2/5, आपको इसका डिनोमिनेटर 100 चाहिए। तो डिनोमिनेटर 100 कैसे आएगा? आपको पता है कि 5 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं,
फाइव को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे मेरा 100 आ जाएगा. 20, 5 टू जा 10 और ये 0, तो 100 आ गया मेरा. और अगर मैंने नीचे 20 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ऊपर नीचे हम सेम काम करते हैं. तो 20 इंटू 2 क्या होगा, ये 40 बन जाएगा. यानी कि जब हम 2 बाई 5 को परसेंट में बनाते हैं, और परसेंट भी नीचे 100 होना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू डिनोमिनेटर की 100 होनी चाहिए, तो मेरा आंसर आएगा 40/100. अब मान लो मेरे पास एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है 3/5 है, 3/5 और मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए 100. तो 5 को पता है आपको 20 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, तो ऊपर भी आपको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये तो 100 यहाँ आपने लिख दिया, और 3 × 20 क्या होगा, 60 हो जाएगा. तो ये 60/100 हो जाएगा वैल्यू आपका. उसके बाद कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं बुक में. जैसे 11/20 है, अब आपको इसको 100 बनाना है. तो आपको पता है कि 20 को 100 हम कैसे बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके. 25 is 100, तो ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो 11 × 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा. फिर आप ये क्वेश्चन देख लो, 3 और 25 है. आपको पता है कि 25 को 100 हम कैसे बना सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं. तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये 12/100 बन जाएगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 100 चाहिए. अब आप ये सोच रहे होगे कि ये सारी जो वैल्यूज है इनटू 5 इनटू 4 ये मैं कैसे लेके आ रही हूं. तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू है उससे आप 100 को डिवाइड कर दो. 100 को मान लो मुझे, मैं 25 से इस केस में डिवाइड कर रही हूं, तो 25 × 4 = 100. तो यहां पे जो ये 4 वाली वैल्यू आई ना, यही वैल्यू को आपको इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है. फिर इसमें देख लो, मान लो कि मेरे पास नंबर है 2, तो 2 को आप 100 कैसे बनाओगे, 2 को आप 100 ऐसे बनाओगे कि 100 को 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये 250 आता है. 50 × 2 = 100. तो यहां पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 4 + 1 = 5/2 आएगा. सबसे पहले तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, क्योंकि यहां पे आपने देखा था कि कैसे 50 आया है. तो ये बन गया 100, और यहां पे आ गया आपका 250. तो आंसर आपका 250/100 आना चाहिए. फिर आपको इस फ्रैक्शन को परसेंट सिंबल में यूज करना है, परसेंट सिंबल आपको लेके आना है. सबसे पहला क्वेश्चन है 29/50. अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन है 29/50 और मुझे परसेंट सिंबल चाहिए. तो 29/50 लिख के आप यहां पे 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, क्योंकि परसेंट साइन चाहिए ना, और कोई भी परसेंट हम 100% में ही देखते हैं. तो 29/50 लेकर के आप 100% का साइन दे दोगे. अब ये 0 0 काट लो आप, 0 काटने के बाद बच गया 5 और इधर बच गया 10. तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, आपको पता है. अब 29, अब नीचे तो खत्म हो गई, कोई भी नंबर नहीं है, 29 और 2 बचा हुआ है. तो 29 और 2 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कितना आता है, 58 आता है. यानी कि आपकी वैल्यू 58% आई है. अब मान लो आपके पास एक और नंबर है, एक और एग्जांपल देखते हैं. मान लो मैंने 2/15 लिया है, 2/15 को मुझे परसेंट में शो करना है. तो 2/15 को कैसे मैं परसेंट में शो करूंगी, अगेन मैं यहां पे 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो आपको पता है 5 से ये दोनों नंबर कट जाएंगे, तो ये 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और ये 5 × 20 = 20 हो जाएगा. तो आपके पास आया 40/3. तो 40 को अगेन 3 से आप कट करोगे, 40 को 3 से डिवाइड करोगे, तो 3 × 1 = 3, यहाँ पे 10 हो गया. 3 × 3 = 9, यहाँ पे 1 आ गया. अगेन आप डेसिमल लोगे और 3 × 3 = 9, तो ये 13.3% आपके पास वैल्यू आ गई. मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन और मैं लेती हूँ, जैसे कि 9/10 ले लो, इजी सा एग्जांपल है, ये अच्छे से समझ आ जाएगा आपको. तो आपके पास क्वेश्चन है 9/10, अब आपको इसको फ्रैक्शन में, इसको परसेंटेज में चेंज करना है. तो मैं क्या करूंगी, 9/10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो ये 0 0 कट गया अगेन, तो 9 × 10 क्या होगा, 90% वैल्यू आ जाएगी आपकी. तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है परसेंटेज के क्वेश्चंस को. फिर ये कुछ फन पेज के असेसमेंट वाले क्वेश्चंस है. आप ये देखो, इन अ कॉलोनी ऑफ 100 फ्लैट्स, टोटल फ्लैट्स कितने हैं 100, 35 फ्लैट्स हैव अ रेड फ्रंट डोर. तो उसमें, उस 100 फ्लैट्स में 35 के रेड फ्रंट डोर हैं, रेड डोर्स हैं, जो आगे वाला गेट होता है वो रेड कलर के हैं. व्हाट परसेंटेज ऑफ द फ्लैट हैव रेड फ्रंट डोर. अब आपको यही रेड फ्रंट डोर वाले को जो नंबर में दिया हुआ था इसको परसेंटेज में चेंज करना है. तो आप क्या करोगे, 35/100 था ना टोटल, तो जितने फ्लैट्स रेड कलर के थे अपॉन जितने टोटल फ्लैट्स हैं, इनटू 100% कर देना है.
तो 100 100 आपको पता है कि कट जाता है और ये आंसर लास्ट में क्या आ गया 35%। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ वुड यू शो 40% एज अ फ्रैक्शन, 40% को आप फ्रैक्शन में कैसे दिखाओगे, तो 40/100 करके मैं दिखाऊंगी इसको। तो ये 0 0 कट गया, ये 2 5 जा, तो ये 2/5 जो आया मेरा, ये मेरा फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर आप बताओगे व्हाट इज 1/4%, तो अगर मान लो मेरी वैल्यू 100% है तो 1/4 क्या होगा इसका, यानी कि अगर इसको मैं 1/4 कर देती हूँ, 1/4 तो 1/4 ही होता है ना, तो हाफ होता है 1/2, 1/4 होता है 1/4, तो 100% मेरे पास एक परसेंटेज है, उसको मुझे 1/4 करना है, तो 1/4 कैसे करूंगी, ये 4 से मैं इसको कट कर दूंगी, ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 2 8, 4 5 20, ये 25% मेरी वैल्यू आ गई। फिर कुछ ब्रेन बूस्टर वाले क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे कि आपको कितने अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप अपने खुद एफर्ट लगा करके आप इसको सॉल्व करो, परसेंटेज अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये समझ में आ गया तो आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एवरेज वगैरह सब कुछ इसी से रिलेटेड होता है, तो परसेंटेज को अच्छे से प्रैक्टिस करो इन सारे क्वेश्चन को, और कमेंट सेक्शन में मुझे पोस्ट करो कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो मैं और थोड़े इजी से ट्रिक्स लेकर के आऊंगी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड फॉर मोर ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब टू गुरु मंत्रा चैनल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।